हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज जितिया का दूसरा दिन है, मतलब आज दूसरा दिन जो है वो खरजोतिया कहलाता है। तो आज का जो दिन है ये मेन इस पर्व का दिन होता है और आज ही निर्जला उपवास रखा जाता है। तो आज मेरा भी निर्जला उपवास है। तो सुबह से मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं बनाया है और ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे पूजा का ही वीडियो बना रही हूँ। और ये लगभग मैं 4 बजे से ही पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और आज 18 सितंबर है, तो ये देखिए मैंने पूजा की तैयारी कैसे की है। तो यहाँ पे मैंने पूजा के सारे सामान को अच्छे से धो कर रख लिया और अभी यहाँ पे मैं पूजा के स्थान पर इसे अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले अष्टदल कमल बनाया और उसके बाद फिर इसमें जो 5 तत्व होते हैं उसे फिर डाला जाता है। और ये आम का पत्ता है, इसे भी इस कलश में डाला जाएगा। और इसके बाद फिर इसके नारियल कलावे में लपेट कर 5 बार कलावा इस पर लपेटा जाता है और फिर इसमें तिलक करके उसके ऊपर रखा जाता है। और कलश भी जो है, कलश में भी कलावा होना चाहिए और इसमें स्वास्तिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने गणेश गौरी जी को भी रखा है और जिस आकृति में मैंने गौरी माता जी को बनाया है सेम उसी आकृति में मैंने जिमूत वाहन जी को और चेल सियारनी को भी बनाया है। क्योंकि यहाँ पे ना आकार मायने नहीं रखता, आपकी भावनाएं मायने रखती है। तो जैसा भी हमें आता है हमें जरूर बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, मैंने सब चीज़ को अच्छे से अरेंज कर लिया है। यहाँ देखिए मैं अभी रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए।
तो अभी मैं कथा सुनने जा रही हूँ, तो इसके लिए हाथ में ये फूल और अक्षत ले लिया जाता है और दोनों हाथ को ऐसे नमन के लिए जोड़ लिया जाता है और फिर कथा सुना जाता है। चलिए। निर्जला और निराहार रहकर रखती है और इस व्रत में जीवित वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जितिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार आगे निकली चूक से पुत्र बुढ़िया को खा तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है और सुबह का भी मैंने पूजा कर लिया है और जैसे नहाई खाई के दिन मतलब जीवित वाहन जी को चिंसियानी और पितरों को भोजन दिया जाता है, वैसे आज के दिन भी दिया जाता है। तो मैंने प्रसाद ले लिया है और उसके बाद फिर मैं ये बना रही हूँ उन्हें देने के लिए। तो सेम वही प्रोसेस रहता है जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है, तो वैसे ही सारा ये सब बनाते हैं। वो सतपुतिया का जो पत्ता रहता है ना, उसी में उनके लिए ये सारा निकाला जाता है और उन्हें नमन किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहीं तक था ये वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।